इसमें आलू के दो प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में आलू की स्थिति में काफ़ी अंतर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में आलू के खुदरा दामों में 5 से 6% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 11% ही कमी आई है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, चाचा जी, ताऊ जी, मैं आपका अपना सोनू चौधरी आपके अपने विश्वसनीय और सर्वश्रेष्ठ चैनल सादावाद केसरी में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम आलू के भावों को गंभीरता से नहीं, सरल व सहजता से आपको दिखाते व समझाते हैं। सादावाद केसरी चैनल के माध्यम से हम किसानों को रोजाना आलू के क्षेत्र में बढ़ती या गिरती हुई कीमतों के बारे में सीधे कोल्ड स्टोर से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि किसान भाई, आप लोगों के मन में एक सवाल उत्थित होता है कि जो हसन है वो हसन क्या है, कैसे है, तो उसके पहले आपको हसन के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हसन जो है कर्नाटक का एक ज़िला है। अगर ज़िला है तो उसमें जाहिर सी बात है कितने जिला, कितना क्षेत्रफल है, कितना उसमें तहसील हैं, कितने रकबे में आलू होता है, कितनी पैकेट लगती हैं, क्या कितनी बुआई है कि उसमें होती है, तो ये सारी जिज्ञासाएँ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। कि आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा वीडियो है और हम इसमें समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि किसान भाई, मध्य अगस्त में आने वाली हसन व पंजाब की मोंगिया की फसल के बारे में आप सभी चिंतित रहते हैं। अब हसन व अन्य फसलों के बारे में, पिछले वर्ष कितनी फसल लगी थी, यानी कि आप पूछते हैं मोंगिया में कितनी फसल लगी थी पंजाब में, और जो हसन में कितनी फसल लगी थी, आज हम उसके बारे में कितने डिटेल में बताएंगे। अब बताएंगे हम आपको कितने पैकेट लगे थे पिछली वर्ष, क्या उत्पादन रहा था, हसन के फसल के लगने से हमारे यहाँ के आलू उत्पादक किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर हसन की फसल आती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये बहुत ही कंपलसरी सवाल है जो कि आप किसान भाइयों को पूछता रहता है कि आखिर हसन की फसल के अगर आ गई बड़े स्तर पर तो क्या होगा। तो फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे यहाँ आलू उत्पादन क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बारे में आपको विस्तृत रूप से आज बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो देखें। हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लाइक ऑल पर क्लिक करें, और हमारी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूरी कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या रहा हसन के बारे में 2021 में, 2020 की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आलू किसान भाइयों, आपके लिए मैं 2021 की विस्तृत जानकारी लेके आया हूँ जो अभी तक आपको किसी चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिली होगी। और जो भी हसन के बारे में बताते हैं वो सिर्फ प्रोपगंडा है, यानी कि भ्रमित करते हैं आप किसान भाइयों को, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं पूरा डाटा इकट्ठा करके आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आज हसन के और पंजाब की मोंगिया फसल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हसन के बारे में जानकारी से पहले आप मेरे पीछे ये नक्शा है इसे देख लीजिए और पूरा जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि हसन एक ज़िला है और ज़िले के नज़दीक कौन कौन से ज़िले हैं कर्नाटका में और क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप इस वीडियो में देखिए। और इससे पहले आप मेरे पीछे जो नक्शा है, आप पहले नक्शे को देखिए। देखिए, मैं इस नक्शे को आपको दिखा रहा हूँ और ये नक्शा देखिए पहले। तो देखिए किसान भाइयों, जितना आपको दिख रहा है भारत जितना बड़ा है उतनी ही इसमें, देखिए किसान भाई, मेरे पीछे मैप आपको नज़र आ रहा होगा, मैप में देखिए, और देखिए मैं इसे अब आपके सामने भी ले आता हूँ। अब देखिए, ये जो हसन ज़िला है वो आगरा ज़िले का जितना बड़ा है और इसमें 8 तहसीलें हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 682.615 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी कि 682,615 वर्ग सेंटीमीटर में फैला हुआ है। अगर हम इसके कृषि की बात करें तो यहाँ पर कृषि होती है आलू, धान और गन्ना। आलू यहाँ दो फसलें में होता है, एक बोई जाती है आपकी जो आपके अक्टूबर में बोई जाती है, दूसरी बोई जाती है मध्य जून तक। तो अब हम बात करते हैं कर्नाटक के हसन की। हसन कर्नाटक में हसन, बेलगाम, चिंगमंगलुरु आलू उत्पादक के लिए विख्यात ज़िले हैं। अकेले हसन में ही अकेले हसन में ही 35,000 हेक्टेयर में इन दिनों आलू की बुआई की जा रही है, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं इस मैप की सहायता से, क्योंकि इसमें जो 682,615 वर्ग सेंटीमीटर का ये वो वर्ग क्षेत्रफल में ही फैला हुआ ये ज़िला है, इसमें जो कृषि होती है वो आलू, धान और गन्ने की सबसे ज़्यादा होती है। अकेले हसन ज़िले में 35,000 हेक्टेयर में इन दिनों में आलू की बुआई की जाती है, यानी कि 25 से 15 जून तक। अगर इसकी फैक्ट की बात करें तो देखिए, फैक्ट में आलू की फसल जो है
अगस्त में आती है। इस दक्षिण की फसल के आने से किसान भाइयों, पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में आप मुझे कंपेयर करिएगा, लेकिन मैं पहले आपको फैक्ट समझा रहा हूँ। वीडियो भी आपके मेरे पीछे चल रही है, आप पीछे देख सकते हैं, इसमें बुवाई हो रही है और बुवाई से आपको खुद अंदाज़ा लग सकता है। हसन में अगस्त में आती है। इस दक्षिणी राज्य की फसल आने से उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों से दक्षिणी राज्यों की मांग में अचानक कमी आ जाती है। चूंकि हसन, बेलगाम, चिंगमलूरू की फसल दक्षिण राज्यों में आलू की मांग को पूरा कर देती है। यानी कि जो किसान भाइयों, पहले समझिए, जो हसन की फसल है, जैसे हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और विभिन्न गुजरात से दक्षिण भारत में जो आलू जाता है मांग के अनुसार, जब हसन की फसल आ जाती है तो दक्षिण राज्य का जो आलू होता है वो हमारे यहाँ से कम हो जाता है। जो और क्योंकि हसन खुद ही दक्षिण भारत के राज्यों में उनकी आलू की मांग के अनुरूप ही उत्पादन करता है और वहीं की वहीं हो जाता है। यानी कि इसका पूरा फैक्ट जो है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल, या अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा के आलू किसानों के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। यानी कि ये तो अनिवार्य है, पड़ता ही पड़ता है। हसन में इन दिनों चिप्स बनाने वाली कंपनियां जैसे लेज़ है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं लेज़ है, अंकल चिप्स है, जो खेती कराना किसानों से शुरू करा दिया है, इनका कंपनी जो है लाभ उठा सकती है। कर्नाटक के पास, कर्नाटक में अभी फ़िलहाल में अभी आपने देखा होगा यश तूफान आया था, तो यश तूफान के में अच्छी तूफान के बाद में जो तूफान के दौरान ही वर्षा अच्छी हुई है, तो बुआई भी अधिक आंकी जा रही है। यानी कि हर कोई आपको भ्रमित कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा फसल हुई है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ये हुआ है, लेकिन इसका असर जो है तूफान का वो अब फसल पे भी पड़ेगा। अगर हसन में पिछले वर्ष की अपेक्षा आलू कम निकला है, तो पिछले वर्षों की अपेक्षा सभी राज्यों के किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है। यानी कि इस वर्ष अगर आलू का दाम जो फसल कम उत्पादन होता है तो आप लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये किसान भाइयों भ्रम फैलाया जा रहा है, एक ये भ्रम है कि वहाँ पे बहुत एकड़ में ज़मीन में आलू उपजाए, इतना लगा दिए, इस फैक्ट को भी देखिए, कितने आलू लगे हैं, कितने पैकेट, कितने हेक्टेयर में लगाए, ये भी आज आपको खंड खंड करके सोनू चौधरी अब आपको बताने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, पिछले वर्षों की अपेक्षा तो कम निकला था, लेकिन इस बार जो आलू है वो भी, क्योंकि 35,000 हेक्टेयर में वहाँ आलू किया जाता है, तो बमुश्किल अभी यश तूफान की वजह से मात्र 10,000 हेक्टेयर में बोया गया है। और 10,000 हेक्टेयर में कितने पैकेट लगे, देखिए। देखिए, एक बात बता दें आपको, उत्पादन पर यश तूफान का काफ़ी असर है। और दूसरी बात किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग ये बता रहा है कि भारी वर्षा यानी कि अति सामान्य से अधिक वर्षा होगी। जैसे ये देखिए, स्काई मेट में आपका स्वागत है, मैं हूँ महेश पलावत, ये है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो अब हम बात करेंगे कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तो पश्चिमी तट पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हमने देखा हो रही है, लगातार जारी है, और कल मध्य प्रदेश वगैरह में, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन इलाकों में बारिश हुई थी, और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी है। तो अब वेदर सिस्टम क्या है, तो देखिए, ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है गुजरात के दक्षिण में, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, यानी निम्न दबाव की रेखा बनी हुई है। जहां निम्न दबाव की रेखा होती है, यहां घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं, और जब घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है उसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये हवाएं ऊपर उठती हैं, और उसमें नमी होती है, कंडेंस होकर के बादल बनाती है और बारिश होती है। तो यही जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप पहले इसे देखिए, उसके बाद में ही आप तय करिएगा कि जो है फसल आपको नुकसान पहुंचा सकती है, फ़ायदा पहुंचा सकती है। क्योंकि फैक्ट कोई नहीं बताता, सिर्फ अपने व्यूवर बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए फर्जीवाड़ा, उल्टी सीधी हरकत करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट देखी, और अब हम हसन की वास्तविक स्थिति के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। हसन की फसल, हसन, चिंगामलू, बेलरूस, मोंगिया, ये सारे जो हैं अगस्त में जो आने वाली फसलें हैं आलू की, हम आज उसकी वास्तविक रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष जो है 12 लाख पैकेट आलू लगा था, कितने में लगा, अगर किसान भाइयों अगर वास्तविक रिपोर्ट देखनी है तो चैनल पर अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। ये पूरा डाटा हम वहाँ से लेके आए हैं और परस्पर आपको दिखा भी रहे हैं। हसन की वास्तविक रिपोर्ट अगर देखें तो पिछले वर्षों में 11 लाख पैकेट लगा था, और इस बार अब तक कुल, जो किसान भाई कहते हैं ना 7 लाख लग गया, 5 लाख लग गया, मात्र 4 लाख पैकेट लग चुका है। मान के चलिए आलू अभी आधा लगा है, अभी बुआई 15 जून तक चलेगी। इस वीडियो में देखिए, अब बात करते हैं, बात करें क्षेत्रफल की, तो अपने यहाँ एक हेक्टेयर में 12 बीघा होता है, 12 बीघा में 62 पैकेट का बीज डाला, अनुमानित 6 लाख, तो 6 से 7 लाख हेक्टेयर में आलू की बुआई हो चुकी है। यानी कि ज़्यादा नहीं हुई अभी, 6 से 7 हज़ार हेक्टेयर में आलू की बुआई हो चुकी है।
पिछले साल की बात करें तो 8,000 से 9,000 हेक्टेयर में आलू की बुआई इन दिनों में हो चुकी थी, यानी कि 7 जून तक हो चुकी थी। यानी कि किसान भाइयों, अब तक कुल 15 से 25% तक की बुआई हुई है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस बार यश तूफान से 2,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। यानी कि आप खुद जो यश तूफान से पहले जिन किसानों ने आलू गाड़ रखा था, उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और इस बार क्योंकि आप इस तूफान से पहले जो तूफान से पहले जिन किसानों ने अपनी आलू की फसल बोई थी, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके सामने है। तो अब इस बार किसान जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। किसान भाइयों, खुद वहाँ के किसान भी जोखिम उठाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय मौसम वैज्ञानिक ने भी इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई है। इससे हसन के में कुल क्षेत्रफल का महज 30% ही बुआई हो सकती है। यानी कि 15 जून तक मात्र 30% फसल की बुआई हो सकती है। वो इस वजह से इसी फसल में, क्योंकि ये एक वजह यह भी है कि इस फसल में अदरक की बुआई भी की जा रही है। कर्नाटक का हसन का कुल 4.1 व पूरे देश का आलू का 1.4% आलू अगस्त में पैदा करता है। हसन कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है, जो कर्नाटक में 20% आलू उत्पादन और 56% फसल क्षेत्र के लिए, यानी कि आलू की फसल के लिए जिम्मेदार है। तो अब किसान भाइयों, ये आपके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो अगर आंकड़े की बात करें तो 35,000 हेक्टेयर में आलू की बुआई की जाती है हसन ज़िले में, लेकिन बमुश्किल अब इस बार 25% ही हो पाई है। और 30% कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका वहाँ के किसान जो है रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। और जो भी किसान भाइयों आपको भ्रमित कर रहा है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है आपको, क्योंकि हसन में इस बार मैंने आपको पूरा कंपेयर वीडियो भी दिखा दी, इसका इमेट वेदर की रिपोर्ट भी दिखा दी और हर चीज़ दिखा दी। अब आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी। और बहरहाल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी किसानों तक करें, क्योंकि हसन इस बार कोई मुद्दा नहीं है और आपको आलू किसानों को सारा बेनिफिट अब इस बार आपको मिलने जा रहा है। तो अब वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर किसी और फसल की डिमांड हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल हसन के फसल बारे में बस इतना ही। आलू भाव लगातार हम कोल्ड स्टोरेज से दिखाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो कर ही दिया करें, क्योंकि हसन डूब चुकी है।